दो दिन के बाद अहमदाबाद में विश्व कप का एक बहुत बड़ा मैच होने वाला है, भारत और पाकिस्तान का। हालांकि एशिया कप से लेकर के अभी तक भारत पाकिस्तान मैच का जो रोमांच रहता है वो बना हुआ है। पाकिस्तान के कई प्लेयर्स अहमदाबाद पहुंच गए हैं, यहां तक कि पीसीबी चीफ ज़ाका अशरफ भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। पूर्व पाकिस्तान कैप्टन इंज़माम-उल हक भी भारत में हैं। दोनों तरफ एक्साइटमेंट का लेवल क्या है बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन सीमा हैदर की चॉइस क्या है ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। नमस्ते, मैं राशिद। जब वर्ल्ड कप मैचेस की बात होती है ना, भारत पाकिस्तान के वर्ल्ड कप मैचेस की बात, तो ऐसे में 1992 में जिस तरह से मंकी जंपिंग हुई थी, मंकी जंपिंग याद है ना आपको, जावेद मियांदाद ने किरण मोरे के सामने की, पूरी दुनिया ने देखा। ऐसा होता है भारत पाकिस्तान मैच। आपको याद होगा 1996 वर्ल्ड कप में जब आमिर सुहेल और सईद अनवर वेंकटेश प्रसाद की गेंद पर छक्के मार रहे थे, गेंद को बाउंड्री पार भेज रहे थे, और उसके बाद बाउंड्री पार भेज करके बल्ले से इशारा किया था कि आप बाउंड्री पार जाइए। अगली ही गेंद पर लेग कटर के जरिए वेंकटेश प्रसाद ने जब आमिर सुहेल को क्लीन बोल्ड किया तो उन्होंने भी कहा कि आप अब बाउंड्री के पार में जाइए। ऐसा होता है भारत पाकिस्तान मैच। लिटिल मास्टर यानी सचिन तेंदुलकर जब भारत पाकिस्तान मैच में खेला करते थे तो एक अलग तरीके का जोश हुआ करता था। भारत पाकिस्तान मैच लेजेंडरी कहा जाता है। सौरव गांगुली की कैप्टनसी में, मोहम्मद उससे पहले अजहरुद्दीन की कैप्टनसी में, या बाद में अगर आप आ जाएं महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा की कैप्टनसी में, पूरी दुनिया की नज़रें, क्रिकेट प्रेमियों की नज़रें आकर के टिकी होती हैं कि भारत पाकिस्तान के मैच में क्या होने वाला है। लेकिन एशिया कप में पिछले दिनों आपको याद होगा सीमा हैदर ने चीयर अप किया था भारतीय टीम को। उनसे जब ये पूछा गया कि आप सबसे ज़्यादा भारतीय टीम में किसे पसंद करती हैं, रोहित शर्मा को, शुभमन गिल को, ईशान किशन को, जसप्रीत बुमराह को, मोहम्मद शमी को, मोहम्मद सिराज को, तो उनका कहना था कि नहीं, वो भारतीय टीम में पसंद करती हैं विराट कोहली को। पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली का पल्ला जिस तरह से आग उगलता है, इसका इंतज़ार सीमा हैदर को भी है। सीमा हैदर ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो भारत के प्रति अपने प्यार का इजहार कर रही हैं। हालांकि ट्रोलर्स ने ट्रोल भी किया और ये कहा कि आप पैदा पाकिस्तान में हुई हैं, लेकिन अगर आप भारत में जा करके भारतीयता को अपने अपना लिया है तो कम से कम वहाँ के संस्कृति को गाली ना दें, वहाँ की टीम को लेकर के उल्टा सीधा ना बोलें, पाकिस्तान को लेकर के उल जुलूल बयान ना दें। ट्रोलर्स पाकिस्तान के इस तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन ये वीडियो आप देखें। इस वीडियो में विराट कोहली को लेकर सीमा हैदर ने ऐसा क्या कहा कि भारत और पाकिस्तान में बवाल मच गया। सीमा हैदर ने विराट कोहली पर जब अपना दिल खोला, जब अपने दिल के राज खोले, तो पाकिस्तान कैसे भौचक्का रह गया। सीमा हैदर ने विराट कोहली को लेकर कैसा क्या बोला कि ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई, ये वीडियो गवाही दे रहा है। भारत पाकिस्तान का मैच होने वाला है, वर्ल्ड कप हो रहा है, तो क्या कहेंगे, आपका फेवरेट कौन है खिलाड़ी, क्या चाहते हैं? विराट कोहली है, वो उनका कप भी बनवाया है मैंने, स्पेशल बनवाया विराट कोहली जी के लिए, क्योंकि जब मैं मैच देखूंगी तो चाय अच्छा उसी कप में पियूंगी विराट कोहली के। अच्छा,